हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, बेबी सनरोज़ में भी कितनी प्यारी सी फ्लावरिंग हो रखी है, और मेरी जो है मिर्च देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा आने लगी हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और एक यही है मिर्च जो जिसको मैं अपने गार्डन में ग्रो कर सकती हूँ, बाकियों को तो बंदर छोड़ते नहीं है। और आज बंदरों की जो है करामात मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इंसुलिन का पौधा है, ये शुगर प्लांट भी बोलते हैं, ये तोड़ दिया। और आगे और थोड़ा सा चलती हूँ, और ये देखिए फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होने लगी है। पर्स लेन में येलो है, इधर पिंक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और इधर देखिए, ये ड्रेसिना का प्लांट था मेरा, क्या हालत कर दी बंदरों ने। तो आज मॉर्निंग मॉर्निंग में ही बंदर आ गए और उन्होंने ये तबाही मचा दी। वैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ सिर्फ बंदरों की वजह से, लेकिन आज मैं नहीं उठ पाई, तो इस वजह से बंदरों ने मचा दी तबाही। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी जिनकी कटिंग आप इस चिलचिलाती गर्मी में भी लगा सकते हैं। जैसे कि जो है, जो गर्मी होती है इसमें बहुत ही कम जो है कटिंग होती हैं जो सरवाइव करती हैं मई का, क्योंकि महीना स्टार्ट हो गया है और मई में काफ़ी अच्छी गर्मी होती है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ पौधे बताऊंगी जिनकी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। और देखिए, बेबी सनरोज़ में भी फ्लावरिंग है, इधर पर्स लेन बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, बड़े वाला पोर्टुला का है, बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे समर में बहुत ही अच्छा लगता है जब ये फ्लावर्स खिलते हैं। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, सकुलेंट टाइप का प्लांट है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग है। देखिए, इधर भी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर की ये फ्लावरिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, और देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें से देखिए रेड कलर के जो है अंदर से निकलते हैं हार्ट, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा पौधा है वो है देखिए वाइट वेलवेट का प्लांट। तो इसकी आप कटिंग अगर अभी लगाएंगे तो बहुत ही आराम से ये ग्रो हो जाएगा। वैसे देखिए, नीचे से इसमें से बेबी प्लांट आते हैं और ये कटिंग के थ्रू भी बहुत ही आसानी से दोस्तों लग जाता है। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों, ये है बेबी टियर का, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ग्रीनरी ऐड करता है गार्डन में। देखिए, छोटी छोटी सी इसकी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। देखिए, मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो गई है। मैंने काफ़ी कटिंग लगा रखी है इसकी, और देखिए कितना फैलता जा रहा है। तो गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट पौधा है। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों, वो है रियो का प्लांट। तो इस टाइम पर आप इनकी भी कटिंग बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। वैसे ये देखिए, एक ही पौधे से ना जाने कितने हज़ारों पौधे बना सकते हैं, लेकिन कटिंग से बहुत ही आराम से ये ग्रो हो जाता है। रूट से इसमें नए नए पौधे निकलते हैं, बेबी प्लांट, तो आप उनसे भी लगा सकते हैं, और ये डिवाइड करके लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों, ये है देखिए, इसको मैक्सिकन पिटूनिया बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे कलर आते हैं, तीन कलर वैसे मेरे पास हैं, और देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी आती है, लेकिन इसकी भी कटिंग आप बहुत ही आसानी से इस टाइम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है ये है ऑल्टरनेंथ्रा। देखिए, ऑल्टरनेंथ्रा की एक ये वैरायटी है बड़े पत्तों वाली, और एक इसी के ही पास में है ये छोटे पत्तों वाली। इसमें काफ़ी कलर आते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। इस टाइम पर आप इसकी भी कटिंग आसानी से लगाकर नए नए पौधे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है ये देखिए, ये है टेंगल हर्ट का, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है दोस्तों। इसको भी आप कटिंग के थ्रू आसानी से लगा सकते हैं, और ढेरों पौधे बनाए, हैंगिंग बास्केट बनाए, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट जो पौधा है ये है बोलिवियन ज्यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल बॉल का शेप ले लेता है, बहुत खूबसूरत होता है दोस्तों। तो इसको भी आप कटिंग्स के थ्रू लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के अलावा आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखिए, ये है कोलियस। कोलियस के भी ये सारी मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाए हैं, क्योंकि विंटर में मेरा पौधा कुछ इस तरीके से देखिए लगी हो गया था, इसकी कटिंग करना मैं भूल गई और टाइम भी नहीं मिला मुझे, तो जितने की कटिंग लगा सकती थी मैंने लगा ली। तो देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई हैं, तो अभी भी टाइम है, अगर आप चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों, ये है वॉन्डरिंग ज्यू है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटी छोटी सी कटिंग से आसानी से लग जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने ये छोटी छोटी सी कटिंग्स जो बंदर तोड़ के गिरा देते हैं, तो उनको मैं लगा देती हूँ, और देखिए पौधे रेडी हो जाते हैं, फिर इनको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी से लग जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये भी मेरा कटिंग से ही लगा हुआ है, बेबी टियर का प्लांट है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ है कि ये शेड में चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इसको 4-5 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, और जब ही ये ऐसा हरा भरा और ग्रीन रहता है।
और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। नेक्स्ट जो पौधा है ये है पर्सलेन। तो पर्सलेन वो मॉस रोज़ हो, पोर्टुला का हो, जो भी है आपके पास, इसकी इस टाइम पर आप कटिंग लगाकर ढेरों पौधे बना सकते हैं। और ये सीड से भी देखिए बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। देखिए छोटे छोटे से जो आपको पौधे दिख रहे हैं ये सब सीड से ही अब खुद ही ग्रो हो रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। तो इसको भी आप कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हैं। ये देखिए बंदरों ने ये तोड़ दी, कितनी सारी पड़ी हुई हैं, तो इनकी कटिंग मैं लगा दूंगी, बहुत ही आराम से ये ग्रो हो जाएगा। ये इसमें से तोड़ी हुई हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, कलर ऐड करता है गार्डन में और इसमें लाइट पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों ये है चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट। देखिए इसमें भले ही ये फ्लावरिंग भी देता है लेकिन इसकी पत्तियां ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो भले ही ये फ्लावरिंग ना करे वैसे ही इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है। और ये देखिए कोचिया का प्लांट कितना बड़ा हो गया, इसमें मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं इसको अलग कर लूँ। तो दोस्तों इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा रखी है इसमें और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो गई है। दोस्तों चेन प्लांट को भी आप इस टाइम पर कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो भी हो गई है। बहुत ही अच्छा हैंगिंग के लिए बेस्ट प्लांट है। और मनी प्लांट की इस टाइम पर आप जितनी ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कटिंग करके इनकी जो है आप कटिंग लगा दें, पानी में लगा दें जिस तरह से मैंने लगा रखी है, इधर मिट्टी में लगा दें। ये देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होंगी, क्योंकि इस टाइम पर इनका ग्रोइंग टाइम है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी चीज़ की ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो पौधा है दोस्तों ये है देखिए वाटरमेलन बेगोनिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये मैंने कटिंग से लगाया था और इसका मदर प्लांट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, देखिए ये है और इसकी कटिंग, ये देखिए ये मैंने कटिंग लगा रखी है और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। तो इस तरह से आप कटिंग लगा कर ढेरों पौधे बना सकते हैं। दोस्तों स्विस चीज़ प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग इस टाइम पर आप लगा लेंगे तो बहुत ही आराम से ये ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पौधे जो मैंने आपको दिखाए हैं, इनकी कटिंग आप आसानी से लगा लें। और एक प्लांट और रह गया, ये है देखिए टर्टल वाइन है, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। देखिए जैसे कि मैंने लगा रखे हैं, ये छोटे छोटे से मग में मैंने लगा रखे हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा इसकी बास्केट हैवी हो गई है, भर चुकी है समझ लीजिए, तो बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस टाइम पर आप इनकी भी कटिंग लगा ले, कटिंग क्या आप मिट्टी में डाल भी देंगे, फेंक देंगे तो भी आराम से ये ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।